दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की दो भाई के बारे में। जी हाँ, पहले भाई हैं बजरंगी भाई जान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उसके साथ ही आपको बताने वाले हैं संजय दत्त के बारे में। जी हाँ, मुन्ना भाई के बारे में। जो ये दोनों बॉलीवुड के स्टार जो हैं, इनकी बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि एक दूसरे के साथ ये भाई की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले कुछ ऐसा हुआ इनके बीच की दरार आ गई इनकी दोस्ती में, इनके रिश्तेदारी में। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय दत्त और सलमान खान, जो कि एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे, आखिर वो क्यों अलग हो गए। आपको बता दें कि संजय दत्त की लाइफ में कुछ लोगों की खास अहमियत है। जी हाँ, वो जीवन के बेहद बुरे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा खास मानते हैं और उनको अपनी लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं, उनमें से एक है सलमान खान, यानी कि भाई जान। आपको बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में दोनों ने एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बात अगर 90 की जाए तो सलमान और संजय ये दो ही एक्टर्स थे जिनका स्टाइल लाजवाब था। इन दोनों की टक्कर में बहुत कम एक्टर्स हुआ करते थे। वेल, दोनों ने साथ में चल मेरे भाई फिल्म की थी, इसमें करिश्मा कपूर भी थी। फिल्म में संजय सलमान ने एक दूसरे के भाई का किरदार निभाया था। लेकिन बात अगर रियल लाइफ की हो तो संजय दत्त और सलमान खान के बीच बिल्कुल भाई जैसी ही बॉन्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संजय दत्त और सलमान खान एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं। बॉलीवुड के इतिहास में दोनों की दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। मीडिया में इनकी दोस्ती के खूब चर्चे भी रहते हैं। हालांकि कहते हैं ना, रिश्ता कितना भी मजबूत हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ खटास हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ इनकी दोस्ती के साथ भी हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सालों पहले संजय दत्त और सलमान खान के बीच अनबन की खबरें आई थी। जी हाँ, जब लास्ट टाइम संजय दत्त 2014 में जेल से बाहर आए, तब सलमान खान उनसे मिलने उनके घर तक नहीं गए। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान ने संजय को अपनी एक्स मैनेजर रेशमा को बतौर अपनी मैनेजर रखने के लिए कहा था। कहा गया कि संजय दत्त ने रेशमा शेट्टी को हायर भी किया, लेकिन कई महीनों बाद भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। उस समय संजय और सलमान के रिश्ते में खटास आ गई थी। आपको बता दें कि संजय दत्त ने पता किया तो रेशमा और उनकी टीम ने बाबा की फीस इतनी बढ़ा रखी थी कि वो निर्माताओं की पहुंच से बाहर हो गए थे। संजय दत्त इस बात को लेकर रेशमा और उनकी टीम से काफी गुस्सा हुए थे। इस बात का बुरा सलमान खान को लगा। खैर, इनके बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गईं। दोनों टीवी शो बिग बॉस में भी कई बार एक साथ नजर आ चुके हैं। संजय दत्त बिग बॉस 5 को होस्ट कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। और इन दोनों स्टार्स में से आपका फेवरेट स्टार कौन है, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बॉलीवुड की हॉट एंड इंटरेस्टिंग गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।